में कोरोना के अब तक 56,342 केस सामने आए हैं, जिनमें से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 16,540 लोग कोविड-19 बीमारी से ठीक हो चुके हैं और अभी 37,916 मरीजों का इलाज चल रहा है। लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 3,390 नए केस आए तो 1,273 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब मरीजों का रिकवरी रेट 29.36% पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 मरीज रिकवर हो चुका है। देश के 216 जिले कोरोना से अब तक अछूते हैं, साथ ही 42 जिलों में पिछले 28 दिनों से और 29 जिलों में पिछले 21 दिनों से, 36 जिलों में पिछले 14 दिनों से एक भी नया कोरोना मरीज सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ICMR के प्रोजेक्ट प्लेसिट को नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्लाज्मा थेरेपी पर स्टडी के लिए 21 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल होंगे। इनमें महाराष्ट्र से 5, गुजरात से 4, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं, जबकि पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और चंडीगढ़ से 1-1 अस्पताल हैं। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत ऑपरेशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू कर दिया है। ऑपरेशन वंदे भारत सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। इसका पहला फेज 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 12 देशों से 64 विमानों से 14,800 लोग भारत लाए जाएंगे। लोगों को फ्लाइट का किराया खुद देना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए INS जलाशय से मालदीव से वापस आने वाले भारतीयों से करीब $40 इवैक्यूएशन सर्विस चार्ज लिया जाएगा। जो लोग आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर 16 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। सभी मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे। हादसा औरंगाबाद के करमाडा स्टेशन के पास हुआ। घटना उस वक्त हुआ जब मजदूर पैदल चलने के बाद थक कर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने मजदूरों को देख बचाने की कोशिश भी की, पर हादसा हो गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय सेना ने सीमा पार से फायरिंग पर पाकिस्तान को कड़ी सजा दी है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की राजा रानी रिंग कटूर बेगम चौकियां तबाह हो गई हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ में 3 सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी। शाहपुर सेक्टर के रिहायशी इलाके में मोर्टार दागे गए, जिसमें 6 घरों को नुकसान पहुंचा था। पंजाब के होशियारपुर में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। यह हादसा गढ़शंकर के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, लिहाजा पायलट विमान को कंट्रोल करने में नाकाम रहा। पायलट को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। इस पूरी घटना की इंडियन एयरफोर्स ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस से जुड़े डर का माहौल खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इस संकट के खिलाफ सिर्फ PMO से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्रियों पर विश्वास करना और राज्यों को साझेदार बनाना होगा। सरकार के कदमों में पारदर्शिता होनी चाहिए और सरकार छोटे कारोबारियों की तुरंत मदद करे और गरीबों और मजदूरों के खातों में 7,500 रुपए डाले। साथ ही ये भी कहा कि आज हमें यह भूलना होगा कि मैं कांग्रेस से हूं, RSS से हूं या BJP से हूं। हम सब पहले हिंदू। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकारों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, दुकानें कम हैं और शराब खरीदार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शराब की बिक्री को लेकर कोई स्पष्ट आदेश देने से इनकार कर दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपरों की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगी, जबकि रिजल्ट अगस्त के महीने में जारी किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को CBSE ने घोषणा की थी कि वह उन 90 विषयों में से 29 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा जो देश भर में लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे। 10वीं के लिए केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित किया जाएगा जो दंगों के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए बनाए गए भारत सरकार के ऐप आरोग्य सेतु ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। कुछ हफ्तों में इस ऐप के 9 करोड़ यूजर्स हो गए हैं। इसके साथ ही गूगल मीट, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे पॉपुलर ऐप्स को पछाड़ यह दुनिया के टॉप 10 डाउनलोड किए गए ऐप्स में शामिल हो गया।